खैर जी, पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। टॉप फोर में थी और अब नंबर पाँचवीं पोजीशन पे आ गई। और अब इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का आज मैच होने वाला है। इंग्लैंड अगर जीत गया तो पाकिस्तान हो सकता है और नीचे आ जाए। खैर टूर्नामेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ, चार मैचेज हुए, दो जीते हैं, दो हारे हैं, आगे पाँच मैचेज हैं। पाँचों के पाँच मस्ट विन गेम है। अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल स्ट्रेट एंट्री कर लो टॉप फोर के अंदर, तो आपको पाँचों मैचेज जीतने होंगे। अदरवाइज बस वही सी इंतज़ार होगा, ये उसको हरा दे, वो उसको हरा दे। जैसे टूर्नामेंट जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया दो मैच हार चुका है, पाकिस्तान दो मैच हार चुका है, इंग्लैंड दो मैच हार चुका है। चांसेज यही है कि इन तीन में से कोई एक टीम जो है वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी। तो जब इन तीन टीमों का आपस में टकराव होगा तो ज़रूर बीच में नेट रन रेट आएगा। तो पाँचों मैचेज अपने जीतने, अफगानिस्तान से आपका अगला मैच है एक स्पिन ट्रैक के ऊपर, वो जीतना भी फिलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर आगे बड़ी टीमें आपको मिलेंगी, साउथ अफ्रीका मिलेंगी, इंग्लैंड मिलेगी, न्यूजीलैंड मिलेगी, एक बांग्लादेश से आपका मैच है। तो पांच के पांच जीतना आपके ज़रूरी है। इनमें से अगर आप एक मैच भी हार जाते हैं तो फिर उसी पोजीशन पर आ जाएंगे जिस तरीके से हर ICC इवेंट में होता है। वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, यहाँ बारिश हो जाए, यहाँ ये हो जाए, वहाँ ये हो जाए, उसके बाद ही आपका कोई चांस।